दोस्तों, बॉलीवुड में 1960 से लेकर 1985 तक के दौर को हिंदी सिनेमा के इतिहास के गोल्डन पीरियड के तौर पर याद किया जाता है, खास तौर से 70 और 80 के दशक को, क्योंकि यही वो दौर था जिसमें चाहे आप नाम ले लीजिए गानों का, कहानी का या कलाकारों का, हर एक दर्शकों के दिलों को छूने वाले होते थे। तभी तो इस दौर के गाने और अभिनेत्रियों की खूबसूरती की चर्चाएं आज भी लोगों की जुबान पर रहती हैं। लेकिन दोस्तों, आप इन खूबसूरत अदाकाराओं के बारे में तो सभी कुछ जानते हैं, पर क्या आप उनकी रियल लाइफ बहुओं के बारे में जानते हैं, जो खूबसूरती के मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को भी पीछे छोड़ते हुए नजर आती हैं। तो ऐसे में आज की इस वीडियो में हम आपको 70 और 80 की मशहूर अदाकाराओं की रियल लाइफ बहुओं से रूबरू करवाएंगे। तो चलिए देर किस बात की, बिना वक्त गवाए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, वहीदा रहमान। जी हाँ, इस लिस्ट में सबसे पहला नाम शामिल है अभिनेत्री वहीदा रहमान का, जिन्होंने बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक फिल्मों में अभिनय करके खुद को यादगार अभिनेत्रियों में शामिल किया। लेकिन अगर बात करें इनकी डॉटर इन लॉ के बारे में, तो बता दें कि इनकी डॉटर इन लॉ का नाम जेन पेल्डेन है, जिनसे इनके बेटे सोहेल रेखी ने साल 2016 में शादी की थी। बता दें कि इनकी बहू भूटान की रहने वाली है, जो कि पेशे से एक एंटरप्रेन्योर है। बता दें कि भले ही इन दोनों सास बहू की बहुत ही कम तस्वीरें एक साथ इंटरनेट पर उपलब्ध हों, लेकिन खबरों के मुताबिक वहीदा रहमान अपनी बहू के साथ काफी खूबसूरत बॉन्डिंग शेयर करती हैं। नंबर 2, नीतू कपूर। अमर अकबर, एंथनी, काला पत्थर और दीवार जैसी एक से बढ़कर एक फिल्में देने वाली अभिनेत्री हैं नीतू कपूर, जिन्होंने 70 और 80 के दशक में अपनी खूबसूरती से लोगों को अपना कायल किया था। लेकिन अगर बात करें इस खूबसूरत अभिनेत्री के डॉटर इन लॉ के बारे में, तो जैसा कि सभी जानते हैं कि इनके बेटे रणबीर कपूर हैं, जिन्होंने यूं तो अब तक शादी नहीं की है, पर ये अभिनेत्री आलिया भट्ट के साथ रिलेशनशिप में हैं और जल्द ही उनसे शादी करने की तैयारी में भी हैं। और इसी के चलते आलिया भट्ट नीतू कपूर की डॉटर इन लॉ होती हैं, जो कि अपने फिल्मों राजी और स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए दर्शकों द्वारा काफी ज्यादा पसंद की जाती हैं। नंबर 3, नूतन। अब जब बात हो रही हो 70 और 80 के दशक की मशहूर अदाकाराओं की, तो उसमें अभिनेत्री नूतन का नाम कैसे ना आए, जिन्होंने करीब 4 दशकों तक बॉलीवुड फिल्मों पर राज किया है। जो आज भले ही इस दुनिया को अलविदा कह गई हों, लेकिन दर्शक आज भी इन्हें भुला नहीं पाए। और बात करें इनकी डॉटर इन लॉ के बारे में, तो इनकी डॉटर इन लॉ का नाम एकता सोनी है, जिनसे इनके बेटे मोनीश बहल ने साल 1992 में शादी की थी, जिनकी शादी को आज 28 साल हो चुके हैं। और इन बीते 28 सालों में ये दोनों के दो बच्चों के माता पिता बन चुके हैं। बता दें कि एकता सोनी पेशे से अभिनेत्री हैं, जिन्हें आपने 16, 17, शतरंज और तहलका जैसी फिल्मों में देखा होगा। नंबर 4, जया प्रदा। नौ लखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने। दोस्तों, ये गाना सुनकर आपके जहन में भी अभिनेत्री जया प्रदा का ही नाम आया होगा। तो चलिए अब बात करते हैं इन्हीं की डॉटर इन लॉ के बारे में, जिनसे इनके बेटे सिद्धू ने साल 2015 में शादी की थी, जो एक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आती हैं, और इसी के चलते इन्हें लाइमलाइट से दूर रहना ही पसंद है, जिससे इनकी बहुत ही कम तस्वीरें हैं। पर खबरों के मुताबिक जया प्रदा की बहू एक आदर्श बहू है, जिसमें सभी गुण हैं। नंबर 5, पूनम ढिल्लो। साल 1978 में त्रिशूल फिल्म से अपने करियर की शुरुआत करने वाली अभिनेत्री हैं पूनम ढिल्लो, जो इस लिस्ट में अपना नाम शुमार करती हैं। और अगर बात करें इनकी डॉटर इन लॉ के बारे में, तो बता दें कि इनके दो बच्चे हैं, जिनमें बेटी पालोमा ठकेरिया और बेटे अनमोल ठकेरिया का नाम शामिल है। बता दें कि इनके बेटे अनमोल अभी अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं, और इसलिए उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है, जिसके चलते पूनम ढिल्लो की अभी कोई बहू नहीं है। नंबर 6, पद्मिनी कोल्हापुरी। इस कड़ी में आखिरी नाम शामिल है अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरी का, जिन्होंने 7 साल की उम्र से ही बॉलीवुड में कदम रखकर खुद को सफल अभिनेत्रियों में शामिल किया है। और आज बात की जाए इस खूबसूरत अदाकारा की बहू के बारे में, तो बता दें कि इनके बेटे प्रियांक शर्मा हैं, जिन्होंने पिछले साल ही अपने करियर की शुरुआत की है, और इसलिए वर्तमान में ये अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं, जिससे इन्होंने भी अभी तक शादी नहीं की है, और इसके चलते पद्मिनी कोल्हापुरी को भी अभी कोई बहू नहीं है। दोस्तों, इन यादगार अभिनेत्रियों की रियल लाइफ बहू के बारे में जानकर आपका क्या कहना है, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही मजेदार खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।